हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का दिन शुरू हो गया है और हम लोग थे 5 दिन से वृंदावन की ट्रिप पर, तो वृंदावन घूम आए हैं और शॉर्ट लॉन्ग थोड़े वीडियो हमने वहाँ के डाल दिए हैं मंदिरों के, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए वृंदावन की ट्रिप हम लोगों के साथ। और कल शाम हम दोपहर में आ गए थे, तो अब जो है आज हम नाश्ता कर रहे हैं और अब थोड़ी देर में खाने की तैयारी हो जाएगी। खाने बनेगा आज हमारे यहाँ राजमा चावल। वैसे तो हम वहीं पे काफी के एंजॉय करके आए थे खूब, लेकिन भाई साहब को चाहिए था राजमा चावल। राजमा चावल हमने वहाँ खाया नहीं, क्योंकि बाहर के राजमा चावल थोड़े से मसाले वसाले के ज़्यादा होते हैं, गरिष्ठ हो जाते हैं, और फिर बाहर जो है थोड़ी हैवी डोज लेनी नहीं चाहिए। लाइट खाना हमने खाया था। हम वैसे जो थे, ये हर्षो पापा आ गए हैं और हम वैसे रुके थे सावित्री देवी सदन, बहुत अच्छा था। बिल्कुल स्मूथ, एकदम लाइट, जैसे आप घर पे बना के खा रहे हो खाना, इस टाइप का खाना था। और आप कोई भी बड़ा छोटा, बड़ा बुजुर्ग, सब प्रकार के लोग वहाँ पे खाना खा सकते हैं, तो वो खाना बहुत अच्छा था वहाँ का खाना। हमने दोनों दिन नाश्ता भी मिलता है, नाश्ते में पराठे, आलू गोभी के, पनीर के, प्याज के नहीं खाते, तो आलू गोभी और क्या कहते हैं, पनीर के अचार और दही, दही अलग से देते थे। तो नाश्ता भी बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था उनका। तो हम लोग घूम घाम के आ गए हैं। आज की ट्रिप हमारी जो है वृंदावन की 4-5 दिन की हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे रहता है, तो उस हिसाब से आपको जानकारी देते रहेंगे। अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होती है, कोशिश है कि हम लोग जो हैं जयपुर जाएँ या हरिद्वार जाएँ, उनमें से उसमें से देखते हैं क्या होता है, उसी हिसाब से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और इधर हर्षु का एडमिशन भी कराना है, अब इनके स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो इस चक्कर में जो है अब इनका एडमिशन करा देंगे। थोड़ी ट्रिप जो है उसी हिसाब से हम बातचीत कर लेंगे स्कूल में, जैसा घूमना घामना होता है। तो अब हमारे ट्रिप शुरू हो गई, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बरसात होने लगी है, तो बरसात की वजह से मौसम भी ठीक हो गया, पर सफोकेशन हो रही है थोड़ी, सफोकेशन से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आज का जो हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, दोपहर का समय हो गया है और अब खाने का समय हो गया है। हर्षु के पापा भी आए नहीं हैं और हम लोग, हर्षु और मैं जो है, हम दोनों फिर लंच करने बैठ गए हैं। आज लंच में बना है राजमा चावल। हर्षु बैठे खा रहे हैं, इनका राजमा चावल रखा हुआ है और ये खा रहे हैं, अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग जो हैं अभी लंच कर रहे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 2:30 बजने वाले हैं करीब, तो हम लोग लंच कर रहे हैं। और जब उस हर्षु पापा आ जाएंगे तो हर्षु पापा कर लेंगे, क्योंकि टाइम से ही लंच कर ले तो ठीक है, नहीं तो उनको कह रहे हैं मुझे टाइम लगेगा आने में, तो अभी उन्हें आने में टाइम है, तो हम लोग जो है अब उनका इंतज़ार करेंगे और आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं और लंच कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपना लंच एंजॉय कीजिए और यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं शाम को। हेलो फ्रेंड्स, रात का समय हो गया है और हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं और क्या कहते हैं, अब हम लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर का समय हो गया है। ये बैठे हर्षु और वो हर्षु के पापा और इधर मैं, तो हम लोग जो है डिनर कर रहे हैं। और तोरई की सब्जी बनी है, क्योंकि दिन में राजमा बना था, तो अब तोरई और रोटी की सब्जी बनी हुई है, खाना खा रहा है हम लोगों का। और आज का दिन तो, क्योंकि अभी थकान है, 4-5 दिन की ट्रिप से आए थे, तभी ज़्यादा कुछ कहीं घूमना वूमना हो नहीं पा रहा है, अभी थोड़े फ्री हो जाएँ, ईजी हो लें, उसके बाद फिर घूमने निकलते हैं। तो आज का ब्लॉग हम लोग समाप्त करते हैं। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, हमारे चैनल को मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। भैया गुड नाइट बोल दो। बाय।
बाय। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय फ्रेंड्स।